आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जीपीएस बिरला बोलते म्यूजियम में है यहाँ फोटो वही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जीपी बिरला आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर में बीएम बिरला साइंस सेंटर है, आर्कियोलॉजी म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है, डायनासोरियम है, निर्मला बिरला गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, बीएम बिरला प्लानिटेरियम है, जीपी बिरला ऑब्जर्वेटरी है, जीपी बिरला सेंटर है जहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और यहाँ पर स्टडी हॉल भी हम लोग चलाते हैं। तो ये सब यूनिट्स जो है जीपी बिरला आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर में काम करते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये है बीएम बिरला प्लानिटेरियम, और आपको जो ये इक्विपमेंट इस तरफ दिखाई दे रहा है ये हमारा पहला प्रोजेक्टर था, इसको ऑप्टो मैकेनिकल प्रोजेक्टर बोलते हैं, जिसका इंस्टॉलेशन इस प्लानिटेरियम के अंदर में किया गया था शो चलाने के लिए। इसको श्री एन टी रामाराव ने इनॉग्रेट किया था आज से 36 ईयर्स बिफोर। आज ये प्लानिटेरियम में हम लोग पूरा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिससे एक इमर्सिव फीलिंग आता है। जब आप कोई शो को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप उस जगह में खुद खड़े हैं, तो इस तरीके का एक फीलिंग आता है। तो ये आज का नया प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर को लॉन्च कर दिया है एनटी रामाराव माजी सीएम आंध्र प्रदेश के पुराने मतलब ददन देश, उनका किया हुआ है और वो करीब 36 ईयर्स बिफोर इसका इनॉग्रेशन हुआ था। आज हम लोग इसमें डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम चलाते हैं, इसमें एडवांस डिजिटल प्रोजेक्टर आप चला रहे हैं, डिजिटल प्रोजेक्शन लेके चला रहे हैं। तो एक एग्जिबिट है, उसका नाम है स्टीरियो हियरिंग। ये जो स्टीरियो होता है उसको दोनों तरफ से हम लोग आवाज़ सुनेंगे, कभी सुनेंगे तबला इधर बज रहा है, वायलिन इधर बज रहा है, गाना सामने से आ रहा है, ये कैसे होता है, ये हमारे कानों के कारण से, इसके बारे में एग्जिबिट है। फिर हम लोग जैसे आप सनलाइट पे वॉक कर रहे हैं तो आपका शेडो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, बट यहाँ पर एक ऐसा वॉल है जो व्हाइट कलर का है, बट अगर जाएंगे उसमें मल्टी कलर शेडो आता है, तो क्यों आता है ऐसा? तो इस तरीके से इंटरेक्शन से आपको साइंस जो है बहुत मज़ेदार लगता है, इट लुक्स फनी एंड यू एक्सपीरियंस, व्हेन यू एक्सपीरियंस साइंस आपको वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इक्वेशन तो लिखना पड़ता है, डेरिवेशन तो करना पड़ता है, बट इट बिकम्स ईजी वेन यू नो द कॉन्सेप्ट। तो इसको आइडिया में रख के हमने ये गैलरी बनाया है। दूसरा वरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आर्कियोलॉजी म्यूजियम है, यहाँ पर आर्कियोलॉजी म्यूजियम में हमारे पास बहुत सुंदर स्कल्पचर्स हैं जो बहुत दूसरे जगहों से लाए गए हैं, कुछ एक्सकवेशन किए गए हैं हमारे आंध्र प्रदेश और अभी पहले के आंध्र प्रदेश और अभी के तेलंगाना से, वो सब डिस्प्ले में रखा गया है। ये जो नॉर्मली आप कोई आर्कियोलॉजी म्यूजियम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक स्कल्पचर दिखाई देता है, उसके नीचे लिखा रहता है वो स्कल्पचर का नाम और मे बी सेकेंड सेंचुरी BC आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये तीन ही चीज़ लिखा रहता है। तो हमने क्या किया है कि करीब 30 ऐसे स्कल्पचर्स को आइडेंटिफाई किया विच आर वेरी स्पेशल फॉर आवर इन आवर कलेक्शन, उसमें हमने डिजिटल एक्सेस दिया है। तो क्या होता है कि आप अपने फ़ोन में